महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। कि वे कौन कौन लक्षण हैं जिसके प्रभाव से मनुष्य के घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। विदुर कहते हैं कि राजन, लक्ष्मी के तीन रूप होते हैं, धनलक्ष्मी, गृह लक्ष्मी और शांति लक्ष्मी। किसी किसी को धन लक्ष्मी तो मिल जाती है, परंतु गृह लक्ष्मी नहीं मिलती है। किसी को गृह लक्ष्मी मिलती है तो धन लक्ष्मी नहीं मिलती है। और धन लक्ष्मी गृह लक्ष्मी दोनों मिल गई तो शांति रूपी लक्ष्मी नहीं मिलती है, शांति नहीं। तो कौन सा उपाय है जिससे तीनों प्रकार की लक्ष्मी घर में निवास करे? गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है। विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिस मनुष्य के जीवन में सात बातें होती है, सात गुण होते हैं, उसके घर में तीनों प्रकार की लक्ष्मी रहती है। विदुर बताओ वे सात लक्षण कौन कौन है? राजन ध्यान से सुन, सभी श्रोता ध्यान एकाग्र करें। धृति समो दमः शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरः मित्राणां च अनभियद्रोहः सप्तैतः समधि श्रियः। आप अर्थ समझ गए होंगे इस श्लोक का, तो मैं अर्थ न बताऊं और दूसरा प्रसंग शुरू करूं। विदुर जी कहते हैं कि धृति, जिस मनुष्य के पास में, जिस स्त्री के पास में, जिस पुरुष के पास में विषम परिस्थितियों में भी, दुखद घड़ियों में भी, कठिन राहों पर भी धैर्य टूटता नहीं, जिसका धैर्य इतना मजबूत है, जीवन भी संकट में है, प्राण संकट में है, सारी हस्ती मस्ती संकट में फंस गई है, फिर भी जिसका मनोबल कम नहीं होता है, आत्मबल कमजोर नहीं होता, जिसका धैर्य यथावत बना रहता है, जो किसी भी कंडीशन में घबराता नहीं, सरल अर्थ है इसका। क्योंकि मनुष्य जैसी परिस्थिति में सुबह होता है, वैसी परिस्थिति उसके लिए दोपहर में नहीं रहती, और दोपहर में जैसी कंडीशन है वैसी शाम को नहीं रहती है, और शाम को जैसा सिचुएशन है वैसा रात में नहीं रहता है। मनुष्य हर घंटे में, हर मिनट में अलग अलग कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में प्रवेश करता है। इसलिए आप
मनुष्य को देखते हैं कभी तो मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी ठहाके मारता है, कभी उदास बैठता है, कभी सुस्त रहता है, कभी मस्त रहता है, कभी दुखी रहता है, कभी टेंशन में रहता है, और कभी उसका चेहरा देखो तो गुलाब के फूल जैसा है, और कभी उसका चेहरा देखो तो भूत पिशाच जैसा है। ये मनुष्य की दशा है। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। ये जब तक जागता है तब तक सोचता रहता है, और इतना सोचता है सोचते 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 इसको सिरदर्द शुरू हो जाता है। और कितने लोग तो रात में आधा सोते हैं, आधा दिमाग से सोचते रहते हैं, ना पूरा सोते हैं ना पूरा सोचते हैं, आधा आधा सो रहे हैं, आधा आधा सोच रहे हैं। और जिसकी ऐसी कंडीशन आ गई कि सोते सोते सोचते सोचते रात बीत रही है, उसको शुगर होने की पूरी पूरी संभावना है, उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर कमजोर होने की संभावना है, उसको पैरालिसिस होने की संभावना है, उसको अब शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए वेद ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात 10,000 वर्ष पहले कह दिया था, और उस बात को कोई मानता नहीं, और कुछ लोग तो जानते भी नहीं, पर आज मैं आपको बता देता हूं, मानना न मानना तुम्हारा काम है। वेद ऋषियों ने कहा है देखने के समय देखिए, सुनने के समय सुनिए, खाते समय केवल खाइए, बात करते समय केवल बात कीजिए, सोते समय केवल सोइए, पढ़ते समय केवल पढ़िए, और रोते समय केवल पूरी ताकत से रोइए। कितनी बड़ी बात है। अब तुम ना तो पूरा रो पाते हो ना पूरा सो पाते हो, तुम्हारा चित्त सब छितर बितर है, बटा हुआ। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने भी एक बात कही थी कि भोजन मौन होकर खाना चाहिए, लेकिन कितने लोग भोजन खाते समय ही पूरी बातें करते हैं, और खाते भी हैं बातें भी करते हैं, सामने वाले की थाली में थूकते भी रहते हैं कि तुम भी थोड़ा प्रसाद ले लो। मौन होकर शांति से भोजन की थाल को देखिए, भोजन के आइटम को देखिए, आज मैं श्री ब्रजेंद्र रघुवंशी के हाथ स्वल्पाहार कर रहा था अपने कमरे में, तो मैंने दो कलर की पूड़ी देखा, एक तो लाल रंग की दूसरी हरे रंग की, तो मैंने कहा कल और रुक जाऊं तो फिर पीले रंग की भी आ जाएगी, ये दो दो कलर कैसे बना। तो मैं संत से पूछा ये टू कलर कैसे हुआ, तो बोला श्री ब्रजेंद्र सिंह की धर्म पत्नी ने बनाया है तो इसमें मेथी डाल दिया है, तो मैंने कहा इसलिए कलर बदल गया है, तो कल और रुक जाऊं तो कुछ और डाल दे। मैं गौर से उसको देख रहा था कि पापड़ भी है, चुरमुरा नमकीन है, और भोजन करो एक एक आइटम को निहार कर देखो, और भोजन बनाने वाले को मन ही मन धन्यवाद देते रहो कि धन्य हो, परोसने वाले को भी धन्यवाद दीजिए, लाने वाले को भी धन्यवाद दीजिए, और जो भी मिला हो, खिचड़ी हो या खीर हो या सेवई हो या टमाटर की चटनी हो रोटी हो, मुस्करा कर खाइए प्रसन्न होकर। खाते समय गुस्सा करने से स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। विद्यार्थी यदि अधिक गुस्सा करता है असफल होने की ज्यादा संभावना है। विद्यार्थी यदि जिद्दी स्वभाव का है, क्रोधी स्वभाव का है, हठी स्वभाव का है, तो उसकी सफलता में बाधक
व्यवस्था बन चुकी है। और विद्यार्थी उसको जो भी शुद्ध भोजन मिल रहा है माता पिता के द्वारा प्रेम से खा लेता है, शिकायत नहीं है। बहुत शिकायत भी करने वाले लोग शांति नहीं पाते, क्योंकि कोई कितना अच्छा प्रबंधन करे तुम्हारी दृष्टि से कुछ न कुछ उसमें कमी रह सकती है। यदि तुम अपने आप को समझाकर संतुष्ट करना जानते हो तो तुम खुश रह सकते हो। अगर तुम उसमें कमी ही कमी देखते रहते हो तो तुम शिकायत से भर जाओगे, और शिकायत से भरा हुआ चित्त कभी संतुष्ट नहीं होता है, और संतुष्ट जो चित्त नहीं है वो कभी सुखी भी नहीं होता है। कितनी स्त्रियों के पास में बहुत बड़ा शिकायत का पुलिंदा रहता है, और कभी कभी मौका ढूंढती हैं कि पति ठीक से मिल जाए तो सारी बातें बताऊं, और पति इतना खिलाड़ी है वो चांस ही नहीं देता, चुपचाप निकल जाता है। लेकिन जो पति अपनी पत्नी की बातों को सुनने के लिए अवसर नहीं देगा तो याद रखना किसी रोज एटम बम का विस्फोट होगा। इसलिए कृपया चांस दीजिए ताकि रोज की भड़ास रोज निकलती चली जाए तो हल्का फुल्का जीवन व्यतीत हो सके। बात को सुनो भी, और अपनी बात सुनाने से वो व्यक्ति अपने को हल्का एहसास करता है। और किसी की बात तुम सुन लो तो जिसकी बात को तुम सुनते हो उस व्यक्ति को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तुम अपनी बात सुना करके किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी की बात को प्रेम से सुन करके उसको ज्यादा प्रभावित कर सकते हो। मेरे पास एक सज्जन आए, आधा घंटे तक अपनी बात सुनाते रहे, और जब उठ करके चले तो बोले, महाराज आपकी बातों में बहुत आनंद आया। तो मैंने सोचा मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं दिया, बात तो तुमने अपनी किया है। तो उसने कहा, आप जैसा सुनने वाला कोई मिला नहीं आज तक। हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके पास में जितने लोग जाते हैं वो अपनी अपनी कहानी उनको सुनाते हैं, वो दिन भर सुनते रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि क्षमा दे तो पूरे भगवान ही है, क्योंकि वे सबकी सुन लेते हैं और सुनने से पीड़ा कम हो जाती है। जिसकी दर्द को सुन लोगे, दुख को सुन लोगे, समस्या को सुन लोगे, शिकायत को सुन लोगे, उसकी शिकायत का सुलझाव हो न हो, समस्या का समाधान हो न हो, लेकिन उसका अंदर का दर्द हल्का हो जाता है। उसको ऐसा लगता है अपनी बात हमने किसी से कह दिया, अब मेरा लोड कम हो गया, और उसको अच्छा लगने लग जाता है। इसलिए बात सुना करो, और बात वही सुन सकता है जिसके अंदर बहुत नम्रता होती है, दिल में बहुत जगह होती है, अन्यथा लोग किसी की बात सुनना नहीं चाहते। और सुनना एक कला है, बहुत बड़ी कला है सुनना। सुनाना तो एक आदत है, आपकी आदत हो गई, सुनाने की प्रैक्टिस बन गई तो बोलते रहोगे, लेकिन सुनना बहुत बड़ी कला है। और जिसके पास में सुनने की कला आ गई उसका ज्ञान निरंतर बढ़ता जाएगा, निरंतर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्ञान सुनाने से नहीं बढ़ता है, ज्ञान सुनने से बढ़ता है। और सुनना एक कला है, जिसको सुनने की कला आ गई उसके घर का कलह मिट जाता है। इसलिए आपस में एक दूसरे की बात को सुन लिया करो। धृति, विदुर जी कहते हैं कि जिसके पास में धैर्य है, शरीर में बीमारी आ गई, कमर में दर्द है, कई वर्षों से सिर में दर्द है, और याद रखना बदन में कहीं भी दर्द हो उसका पहला इलाज है, आज बताऊं कि अगले साल हम तब बताता, आज बताता तो फिर तुम्हारी दर्द तो दूर हो जाएगी, डॉक्टर को दर्द शुरू हो जाएगी। तुम्हारी दर्द से डॉक्टर को आराम मिलता है, तुम्हें जितनी बीमारी होगी डॉक्टर को उतना आनंद रहता है। विडंबना है
कि तुम्हारी बीमारी से उसकी जीविका चलती है, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं चाहता तुम बीमार हो, लेकिन तुम कभी नहीं चाहते मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि उल्टा पलटा होता रहता है। दर्द की दवा, बेपैसे की दवा, पैसे बचेंगे तो दान कर देना, फिर बिना पैसे की दवा है। कम से कम 3 घंटे तक सूरज की कड़ी धूप आपके शरीर में लगना चाहिए। कमर दर्द, घुटना दर्द, जॉइंट पेन, ये सब सूर्य की किरणें शोषित कर लेंगी। और जिसके शरीर में तेज सूर्य की धूप नहीं लगेगी, उसके शरीर की हड्डियों का स्ट्रक्चर पूरा कमजोर हो जाता है। हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल वर्मा लखीमपुर खीरी जेल के डॉक्टर थे। उनके मित्र की मां बेड से उठ नहीं पाती थी 6 साल तक, तो मित्र ने कहा कि मेरी माँ का ट्रीटमेंट आप कर दो, आप हड्डी के स्पेशलिस्ट हो। तो उन्होंने इलाज किया, 5 दिन ठीक नहीं हुई, तो और अपने मित्रों को बुलाया, हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 जिले के इकट्ठे हुए, और सबने देखा अपना अपना, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो एक बात समझ में आई, पूछा इस माँ को सूरज की धूप कितने दिनों से नहीं लगी, बोले 6 साल से नहीं लगी। बोले इसकी खाट उठाकर धूप में डाल दीजिए, 6 घंटे तक धूप में रखा उसको, और 6 दिन तक रखा, 6-6 घंटे, और 7वें दिन वो बुढ़िया उठकर खड़ी हो गई और चलने लगी, बोले दवा की जरूरत नहीं। लेकिन धूप का सेवन करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोगों को लगता है ज्यादा धूप लग जाए तो चेहरे की सुंदरता कम हो जाएगी, इसलिए लोग धूप में निकलना ही नहीं चाहते। सुबह सुबह की धूप ले लो 2-3 घंटे की, तो आपका चेहरा गुलाबी कलर का हो जाएगा, और दोपहर की धूप ले लो 3 घंटे, तो आपका चेहरा कृष्ण भगवान की तरह काला कलूटा हो जाएगा, सांवला, समरिया तेरे राम। और शाम की धूप ले लो थोड़ा थोड़ा, तो आपका चेहरा पीले कलर का हो जाएगा, और अगर सुबह सुबह दौड़ दो थोड़ा, तब तो कुछ मत पूछो क्या ठाठ रहेगा जिंदगी में, दौड़ना शुरू कर दो। पत्नी भागे तुम रपटाओ, दौड़ना बहुत बड़ा व्यायाम, और नारियों के लिए तो घर के सभी कार्यों को दौड़ दौड़ कर करना चाहिए। किचन से दौड़ो स्टोर रूम में चली जाओ, वहां से दौड़ो बेडरूम में चली जाओ, वहां से दौड़ो फिर किचन रूम में आ जाओ, सीढ़ी पर दौड़ के चढ़ जाओ, शरीर हफना चाहिए, ऐसे सांस फूल जाना चाहिए, आप स्वस्थ रहो। और कोई शरीर में बीमारी आ जाए, धैर्य मत टूटने देना, ये मत सोचना अब मैं अच्छा नहीं होऊंगा, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे, देर नहीं लगेगी। थोड़ा संयम परहेज कीजिए, थोड़ा धूप का सेवन कीजिए, सुबह सुबह लंबी सांसें लीजिए, और ठहाका मार कर हंसिए, और उम्मीद रखो कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। धन की हानि हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, आपका धैर्य डगमगाने ना पाए। कहते हैं कि सबसे बड़ा बल मनुष्य का होता है मनोबल, आत्मबल। जिसके पास में आत्मबल है, धन बल कम हो तो भी जीत उसकी होगी, शरीर बल कम हो तो भी जीत उसकी होगी, और जिसका आत्मबल खो गया, सब बल होते ही भी उसकी हार हो जाती है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठ करके लोगों को देखने में लगता है कि अर्जुन के रथ के घोड़े कृष्ण हाँक रहे हैं, लेकिन कृष्ण केवल घोड़ों को नहीं हाँक रहे हैं, बल्कि कृष्ण अर्जुन को भी हाँक रहे हैं। आदमी को भी हाँकना पड़ता है। कृष्ण के शब्द अर्जुन के मनोबल को बढ़ाते हैं, अर्जुन के आत्मबल को बढ़ाते हैं। और कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तो कोई निशाना मत लगा, मैं जिधर रथ मोड़ दूं उधर ही तू बाण चला देना, तू अपनी जगह पर बैठ, टेंशन मत कर, मैं जानता हूं किसको पहले मारना हो, किसको बात को मारना, किधर बाण चलाना है, जिधर रथ घुमा दूं उधर तू मारता रहे। निशाना तो तुम्हारी जिंदगी का कोई सदगुरु भगवान ही लगा सकता है। और हर मनुष्य की जिंदगी में महाभारत चल रही है, छोटी मोटी महाभारत नहीं है, बहुत बड़ी महाभारत है। और तुम अर्जुन बनकर के महाभारत लड़ रहे हो, तुम्हारे सामने अवगुणों का, बुराइयों का कौरव दल खड़ा हुआ है, अभिमान रूपी दुर्योधन आपके सामने दहाड़ रहा है, अभिमान रूपी दुर्योधन आपके सामने दहाड़ रहा है। उसको मारने के लिए तुम तब समर्थ हो सकते हो जब तुम अर्जुन बन करके कोई कृष्ण जैसे सद्गुरु भगवान का सहारा ले लो, कोई सद्गुरु कृष्ण बन करके तुम्हारे जीवन के रथ को हाँके, इंद्रियों के घोड़ों की लगाम को पकड़ ले और ज्ञान का चाबुक लेकर के तुम्हारी इंद्रियों को कंट्रोल करे, तब तुम अपने जिंदगी के महाभारत में अवगुणों के कौरव दल पर विजय प्राप्त कर सकते हो और तुम्हारी जीत हो सकती है। अवगुणों का दल ही कौरव दल है, ये और कोई कौरव दल नहीं है, यही कौरव दल है। धृति, ये सात लक्षणों में पहला लक्षण है। दूसरा शमो, शमो किसे कहते हैं, मनोनिग्रह, जिसका मन बस में है, जो मन के ऊपर नियंत्रण साध लेता है। हाथी को बस में करना आसान है, घोड़े को बस में करना आसान है, शेर को बस में करना आसान है, लेकिन अपने मन को बस में करना बहुत कठिन है। मन को बस में करना, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रहे, कौन बजावे बांसुरिया। मन बस में हो जाए, और जो मन को जीत सकता है उससे बड़ा और कोई सुखी नहीं हो सकता है। मनोनिग्रह समो, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिषु दुष्करम। अर्जुन कहते हैं, भगवान मन बहुत चंचल है, वायु के समान चंचल है ये, इसको कैसे वश में किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन थे वैराग्य जागृह थे। इस मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। चंचल तो है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। और मन को बस में करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस विद्यार्थी का मन बस में है वो विद्या अध्ययन में टॉप करेगा, जिस साधु का मन ठीक से बस में है वो साधना में टॉप करेगा, जिस नेता का मन बस में है वो राजनीति में टॉप करेगा,
ये मन कभी तो लोभ की तरफ भागता है, कभी काम वासना की तरफ भागता है, और कभी ये मन मोह में डूबता है, और कभी ये मन क्रोध में चलता है, और कभी मन अहंकार करता है। इस मन की बड़ी गतिविधि होती है, और जो मन को संभालना जान जाते हैं वे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भी बस में कर लेते हैं। फिर वे किसी से ना तो ईर्ष्या करते हैं, ना किसी की निंदा बुराई में फंसते हैं, अपनी पूरी शक्ति का सदुपयोग करके अपनी उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा भजन कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मनुष्य का मन तो एक है, लेकिन उसमें तरंगे बहुत उठती है। कभी मन में ऐसी तरंग आती है कि इतना विकास करूं, इतना विकास करूं, सिलवानी में सबको पीछे छोड़ दूं, और कभी ऐसी मन में तरंग उठती है, घर में कुछ खटर पटर हो गई, दुख लग गया, तो मन में तरंग उठ गई कि सिलवानी को छोड़कर कहीं जंगल में चला जाऊं। कभी मन में तरंग उठती है एक शादी में क्या मजा है। राजा दशरथ के 3 पत्नी थी, जब भगवान के पिताजी 3-3 पत्नी रख सकते हैं, तो मैं भी कम से कम 13 पत्नी लाऊंगा। कभी मन में ऐसा तरंग उठती है, अरे पत्नी वत्नी सब झंझट है, छोड़ो, जाओ, निकलो यहां से, एक भी ठीक नहीं। कभी मन में तरंग उठती है कि इतना गाड़ियां खरीद लूं कि लोग देखने आए कि इनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो ना हो। कभी मन में तरंग उठती है कमंडल लेकर बाबा जी बनकर चला जाऊं। ये मन कितनी तरंगे उठाता है। कभी मन में तरंगें उठती हैं कि जितने विरोधी हैं इनको एक तरफ से सूट कर दूं, और कभी मन में तरंगें उठती हैं जो जो विरोधी इनके पैर छूकर क्षमा मांग लूं कि आज से बात खत्म हो गई। कितनी तरंगें हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि मन समुद्र है और मन की तरंगें उसकी लहरें हैं। मन शायर मन सा लहर, मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत अब कहें कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक। मन रूपी समुद्र में और मन की तरंगों में डूबने से वही बच सकते हैं जिनके हृदय में विवेक जागृत हो गया है। और विवेक का जागना कोई आसान चीज नहीं है। विवेक ऐसी चीज है, सुबह आपके पास में विवेक है और ऐसी कुसंगत पड़ गई, दोपहर में विवेक खो गया और तुम फिसल गए। शाम को बड़ा विवेक था, बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, और रात में 10 बजे विवेक उड़ गया और तुम अकेले गड्ढे में गिर गए जाकर। इसलिए विवेक को भी संभालने के लिए निरंतर सत्संग के घेरे में रहने की आवश्यकता है। बार बार सत्संग सुनने की जरूरत है और ऐसे वातावरण में रहने की जरूरत है, अन्यथा अच्छे भले लोग भी कुसंगत में पड़ करके फिसल जाते हैं और मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। मन की तरंग मार लो, गाओ, गुनगुनाओ, तरंग मार लो, गाओ, डरते क्यों हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। इस जीवन के पहले तुम कहां थे, तुम्हारी आत्मा कहां थी, किस शरीर में थी, कैसे कैसे तुम गुजर रहे थे, अब इसके बाद तुम कहाँ जाओगे। अभी तो यहाँ हो, पता चल गया सिलवानी में हो, मनुष्य जीवन में हो, इस घर में हो, उस घर में हो, लेकिन इसके बाद तुम्हारा कहाँ जाना होगा और आए कहाँ से हो। आए हो तुम कहाँ से
और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल बिचारे लो, इतना तो दिल बिचारे लो, बस हो गया भजन, इतना तो दिल बिचारे लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मारे लो, बस हो गया भजन।